जहाँ ऐसे दिया था मैंने वहाँ पे एक लड़का उठ गया था मैं था कंप्यूटर दिए थे मैंने ओह माय गॉड गॉड ब्लेस यू माय ब्रो थैंक यू क्या बात है क्या दिया था मैम आपने वाह मिस्टर इंडिया बने हैं सो प्राउड ऑफ यू वो स्कूल था ना बीएमसी का था उसमें ये पढ़े हैं उसमें मैंने फैन एसी और कंप्यूटर्स दिए थे तो सब लोग पढ़ के आगे बढ़े वाह मतलब जब आपने पॉलिटिशियन थे तब नहीं मैंने पहला बिग बॉस किया था ना आज से 13-14 साल पहले तो मेरी फर्स्ट कमाई आई थी जो मैं आथर रोड जेल में भी गई थी कंप्यूटर लेकर ब्रो यू कैन गो आथर रोड जेल में भी गई थी मैं नीचे आ जाओ और ओ माय गॉड मेरी आंखों में आंसू आ रहा है सो इमोशनल मोमेंट फॉर मी बस सो इमोशनल मोमेंट फॉर मी वो स्कूल से देखो पढ़ लिख कर मिस्टर इंडिया बने हैं वाह उन्होंने खुद कबूल किया ना आपके सामने कंप्यूटर आपने दिया था कंप्यूटर्स दिए थे बिकॉज बीएमसी स्कूल में ही थी ना तो हमारे यहाँ पे कोई कंप्यूटर नहीं होता था अगर होता भी था तो लाइन लगानी पड़ती थी और मैं तो ज़्यादा स्कूल में डांस ही करती थी तब से डांसर बनी हूँ मैं सो माय गॉड मेरा एक एक रुपया काम आया यू नो वाह गॉड थैंक यू वो एक छोटा सा बच्चा था जब मैं वो स्कूल में डोनेट करने गई थी मैं भी बच्ची ही थी तभी जब मुझे पैसे मिले थे पहली कमाई मेरी बिग बॉस की यू नो तो मैं आथा रोड जेल में भी मैं 40 कंप्यूटर लेकर गई थी और फिर सब क्योंकि मैं बीएमसी स्कूल गरीब स्कूल से मैं पढ़ी हूँ ना तो अभी शायद पता नहीं बीएमसी स्कूल में अभी मुझे जाके देखना पड़ेगा कि कुछ इम्प्रूव हुआ कि नहीं सरकार ने किया है कि नहीं वरना उस टाइम तो मतलब बेंच भी टूटे हुए थे फैन नहीं था मैंने फैन लगवाया एसी लगवाया मेरी कमाई से लैपटॉप कंप्यूटर्स बांटे ताकि लोग कोई मेरी तरह अनएजुकेटेड ना हो पढ़ लिख कर बड़े बने अच्छे तरह मेरी मॉम को मेरे डैड को मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है वाह मैं ये सुनते ही एकदम इमोशनल हो गई